स्टेशन लेने नहीं आ सका। क्या सॉरी यार, दिल्ली पहली बार आ रहा हूँ और स्टेशन लेने भी नहीं आया। अरे कहीं भटक जाता तो? अरे लोग दिल्ली इसीलिए तो आते हैं, खो जाते हैं और फिर खुद को ढूंढते रहते हैं। हुआ यूं कि मैंने पैंट धोने के लिए डाली थी, अब एक ही है भाई, सूखी नहीं। खैर अब अंदर तो आओ, बाहर ही खड़े रहोगे क्या? आओ। अरे ये आ रहेगा क्या चक्कर है? आर फॉर राकेश, ए फॉर अमित, अब तू तिलक आ गया है, टी लिख देंगे, रैक पूरा हो जाएगा। वेलकम टू द रैक। ओ या, अचानक तुम्हारा दिल्ली आने का प्रोग्राम कैसे बना? क्या तुम्हारा ट्रांसफर हो गया वहां से? ट्रांसफर काहे का ट्रांसफर यारा, नौकरी तो है नहीं, खुद ही ट्रांसफर होता रहता हूँ यहाँ से वहां। 2 साल हुए ग्रेजुएशन किए, इन 2 सालों में पूरा पंजाब छान मारा, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। सोचा चलो भगवान का नाम लेकर खुद ही किस्मत आजमाते हैं दिल्ली में। क्यों, दिल्ली का भगवान अलग है क्या वहां से? नहीं, भगवान वही है, लेकिन सुना है कि आजकल हेड ऑफिस उसने भी यही खोल रखा है। हाँ, लेकिन वहां भी रिश्वत और सिफारिश चलती है। बाथरूम का? बाथरूम किसका, हमारा या भगवान का? हमारा बाथरूम तो यहाँ है और भगवान का बाथरूम तो बस, मुझे वही बाथरूम चाहिए, भगवान का बाथरूम। ओए अमित, कोई है अंदर यार? ठहरो ठहरो ठहरो, राकेश है अंदर। कौन है? राकेश, तिलक, एक और बेकार फ्रॉम पंजाब। फिर एक बार हाथ मिला, ये हुई ना सही हिंदुस्तानी ट्रेडिशन, लड़ते हैं तो पानीपत के मैदान में और मरते हैं तो दिल्ली में। क्यों, कोई सिफारिश लाए हो? किसकी? पंजाब के मिनिस्टर। पंजाब के मिनिस्टर? हाँ, पंजाब। पेपर नहीं भरा? क्योंकि पंजाब की मिनिस्ट्री रात की रात में बदल गई है। मेरे दिल्ली आने तक भी सबर नहीं हुआ तुझसे, दूर फिटे मुंह खोते दा पुत्र साला शेर सिंह। ओए मेरी सी बदली, पैंट क्यों बदल रहे हो? ओए मेरी पैंट है। मैं सच कर अमित बता रहा हूं, मेरी पैंट है यार। देखो प्यारे, इन नाचीस लोगों की नगरी में कोई भी चीज किसी एक की नहीं है, हर चीज बांध के पहनते हैं और बांध के खाते हैं, चाहे कसमी क्यों ना खाए। बीड़ी से लेकर भूख तक हर चीज हर किसी की है। हाँ बंधु, ये हमारा सोशलिज्म है, आर रैट होल सोशलिज्म। प्राओ, पहले बाथरूम बाद में सोशलिज्म। ओए, ओए, चुप। अभी तो समझा है ना, कोई भी चीज किसी अकेले की नहीं है, ना अकेले पीते हैं, ना अकेले खाते हैं, ना अकेले। जी मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, अकेले जा सकता हूँ या आप भी साथ चलेंगे?
बाथरूम गए हुए कितनी देर हो गई? जब रेडियो पर वंदे मातरम चल रहा था तब गया था, और पुरानी गीत आ रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं आना। ओए आर्या, अबे साले बाल्टी सर के पास रख के वहीं सो क्यों नहीं जाता? ये सोचता भी संडास में, सपने भी वहीं देखा। अरे वाह, क्या यार, बाथरूम में जाने की भी आजादी नहीं है। जानता है इस देश में मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सपने संडास में जन्म लेते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। वाओ, वेरी वेल सेड। अब तुम जल्दी निकलना, तिलक की तरह तुम भी सपनों में मत डूब जाना। ऐसे डूबे हैं दिन के सपनों में, नींद ही उड़ गई है रातों की। वो सिंहासन ही ऐसा है प्यारे, मैं सपनों में डूब जाता हूँ, वो कविता में डूब जाता है। मैं कहाँ डूबूं? ओम भूर्भुवः तत्सवितुः भर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः तत्सवितुः भर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः तत्सवितुः भर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुन, क्या है? चुपचाप प्रार्थना नहीं कर सकता तू? देखो राकेश, भगवान पर विश्वास रखोगे तो नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीज 100। सौ रुपए 100। एक के ऊपर 2 शून्य। वाव, 100 रुपीज। पता है दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जिसमें विदेशी फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें नंगे सीन्स हैं, सेक्स है, जिसे हमारे सेंसर की कैंची काट नहीं सकती। 5 रुपए का टिकट 105 रुपए में बिकता है, क्योंकि सेक्स के भूखों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं। मुझे भी एक ऐसा ही भूखा मिल गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी भूख पेट की थी और उसकी भूख। सेंसर बोर्ड जिंदाबाद। लेकिन तुझे ये सूझी कैसे? मुझे नहीं सूझी, मुझ में अगर इतनी अकल होती तो मैं भूखा नहीं मरता। ये आइडिया दिलीप का था। दिलीप? हाँ दिलीप। हाँ कौन है दिलीप? एक न्याय तकलमंद दोस्त है जिसे जीने की हर तरकीब मालूम है। जब कभी दम घुट जाए तो मिल जाता है और सांस लेने की कोई ना कोई तरकीब बता जाता है। सुनिए, स्टेशन की बस कब आती है? भगवान ही जाने, वो भी कैसे जाने। आपको रेलवे स्टेशन जाना है? जी। आज DST बंद है और टैक्सी वालों ने भी हड़ताल कर दिया है। कुली की जरूरत हो तो बोलिए, स्टेशन तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है। हाँ, एक मिनट, क्या लोगे? क्या दोगी? 50 पैसे। 50 पैसे? 75 पैसे। चलिए। नहीं है मेरे पास, 75 पैसे नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास कैसे होगा? मैं सब जान लिया, होर पैसे करने का एक तरीका है, वर्ड पॉन लेवेज। मैं वत्ते ही रहना, मैं पंजाबी जानता हूँ। तो और क्या, मेरे पास चेंज नहीं तो 1 रुपया दे दूँ? क्या कहा? मैंने रुपया मांगा आपसे? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। तो मेरे पास भी नहीं है। तो रख के अपना रुपया, जब छुट्टा होगा दे देना। This is another way of extracting more money. I know. What do you know, madam? What the hell do you know further than the tip of your pointed nose? Do you think I'm going to make a fortune out of this paltry sum of 1 rupee? Or build a multi-story complex in this great goddamn metropolitan city? Keep it. It's a compliment. Buy yourself some chocolates, okay? Shit.
अरे हाँ, और कोई कूली ढूंढो, 75 पैसे का। आ जाता है साहब। खाली पेट की ताल पे चलना सीखो, सियासत की हर चाल पे चलना सीखो, दिल्ली के आठों दरवाजे खोल के देखो, जीने की हड़ताल पे बोलना सीखो। खाली पेट तुझे शायरी सूझ रही है? खाली पेट को बोलना है तो गाना शुरू करो। ओए, गाने को कह रहा है साला, बड़ा अपने आप को तानसेन की औलाद समझता है। हेलो, जूतबा, क्या ये मंदिर है? हाँ, ये सरस्वती का घर है, मैं यहाँ रियाज करता हूँ, मेरे लिए यही पूजा का मंदिर है। माँ वहाँ मना करती हैं, आप यहाँ मना करते हैं, क्या जूते सर पे रख के बैठूं? क्यों सुबह सुबह बहस कर रहे हो? पता नहीं किस जाति के आदमी, ना लाड़ से मानते हो ना डांट से। गेहूं के संग पिसके समझा ऊंची गुण की जात, चोटी से जो जाति नापे समझे उनकी जात। मैंने कब जात पात की बात की है? बात करे क्या जात की, जब धर्म हरे ना कोई, पूजा पूजा ला करे और कर्म करे ना कोई। देखो, इसमें जात पात या धर्म अधर्म की कोई बात नहीं, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, साधना की बात कर रहा हूँ। पत्थर पे विश्वास करे, पत्थर पे शीश निभाए, घर की चक्की को ना पूजे, ना का पीसा खाए। बड़ा कबीर समझता है आपने आप, तुकबंदी करके समझने लगा है, बहुत बड़ा शायर हो गया। सिर्फ समझता नहीं हूँ भी। बाप रे बाप, फिर शुरू हो गई बाप बेटे में? नहीं होगी, दिन भर आवारगी करता रहे, शायरी बघारता फिरता। इतना सारा वक्त कोई नौकरी धंधा ढूंढने में लगाया होता तो आज कहीं पहुंच जाता। बात करता है जैसे लेनिन के बाद एक यही पैदा हुआ, इनकलाब ला के रहेगा इस देश में। जब इनकलाब आएगा तब देखना। हाँ देखूंगा, चौराहे में पेट बजाते नजर आओगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कहाँ कहाँ, कुथाए कुथाए, किथे किथे, कहाँ 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 कहाँ। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कहाँ, आवारा सड़कों पे फिरो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कहाँ, आवारा सड़कों पे फिरो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। देखो अपनी शान निराली, जेब में डिग्री, पेट खाली, खाली पेट सोए जागे, नौकरियों के पीछे भागे, खाली पेट सोए जागे, नौकरियों के पीछे भागे। दफ्तर दफ्तर नो वैकेंसी की है तख्तियां, 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 आवारा सड़कों पे फिरो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ।
देखे बीए एक ट्रेन में टिकट मांगे टीटी वो ना देखे बीए टीटी ट्रेन में टिकट मांगे टीटी क्या बस क्या रिक्शा क्या तांगा सबने यार किराया मांगा क्या बस क्या रिक्शा क्या तांगा सबने यार किराया मांगा बस इन दो टांगों की मुफ्त सवारी है यहाँ 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 आवारा सड़कों पे फिरो यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ मेरे पास माचिस है आपके पास सिगरेट है थैंक यू अरे दोस्त ये तो सिगरेट बचाने की तरकीब है नंबर 113 तुम भी सीख लो और उस तरकीब का क्या नंबर था जिस तरकीब से तुमने 15 रुपए एंटे थे मुझसे अरे वो 15 रुपए जो मैंने 30,000 के पास उधार जो आप जब रुक जा अबे क्या नाम है तेरा नाम भी नहीं बता अरे मैं चोर नहीं मैंने तो पैसा उधार लिया है चोर नहीं है अबे ओ बुड्ढे बच के कहाँ जाएगा रुक जा सिमरन जी
दरवाजा खोल नहीं तो तोड़ दूंगा। क्या चाहिए? वो ठग चाहिए जो अंदर छुपा है। क्या किया उसने? क्या किया? एक नौकरी के वास्ते 15 रुपए रखे थे पोस्टल ऑर्डर के लिए, वो लेने के लिए धाड़े मार मार कर रोया और मैंने भी। और रो रो कर कह रहा होगा मेरी बीवी आखिरी दमों पर है, मौत और जिंदगी के बीच अटकी हुई है, तुम ही उसे बचा सकते हो, उसकी दवा दारू के लिए पैसे दे दो, ये कहा था तो ये कहा होगा मेरी माँ मर गई है, उसे जलाने के लिए पैसे दे दो, उसकी कफन के लिए पैसे नहीं है, ये कहा था। तुम उसके क्या लगती हो? बेटी, एकलौती बेटी। जी हाँ। तो तुम्हारे कफन के लिए पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि एकलौती बेटी एक्सीडेंट में अच्छी हो ना? पांडव जुए में हारे थे तो अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया था, ये तो दूसरों की पत्नी को भी दाव पर लगा दे, न जाने कितनी बार ये हम सबको बेच चुका है, हार चुका है। झूठ, झूठ! ए, दरवाजा मत तोड़ो। ये कैसा देश है, कैसी बेटी है? हाँ, थर थर। क्यों इस तरह बाप की तारीफ करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बोलो, मैं सच बताऊं तुमको मिस्टर, ये जो जग्गू है ना। कौन है जग्गू? अरे मैं जग्गू और कौन जग्गू, ये जग्गू जुए में सब कुछ हार चुका है, अब जुए से ही वसूल करना है। पहाड़ पे खोए और दरिया में ढूंढे, पहाड़गंज में खोए तो दरियागंज में ही थोड़ा ढूंढोगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रुपये मैं जग्गू को दूं, किसी और से वसूल करूं? कभी होता है ऐसा? तुमसे ही वसूलने पड़ेगी। ये कहां पैसे? ठहरो, छोड़ दो इसे, मैं देती हूँ आपके पैसे। मैं स्टेज पे ड्रामा करती हूँ, ये सारे शहर में ड्रामा करता फिरता है। ट्रेजेडी अच्छी कर लेते हैं। आपके कितने पैसे हैं? ज्यादा नहीं चिल्ला रहे, 15 रुपए दे दो। ये लो, तुम्हारे पैसे तो मिल गए, अपना कमीशन नहीं मिलेगा क्या? बाहर आओ, अच्छी तरह देता हूं। सुनो, एक मिनट, ये लो। ये क्या? सूद? उधार चुका रही हूं। थैंक यू। माँ, ओ प्यारी माँ, माँ मैं 2 रुपए दे। अरे तुम मुझे जन्म दे सकते हो, 2 रुपए नहीं दे सकते हो? साली कमबख्ती, कैसा देश है, कैसी माँ है। जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? रुपए और क्या। चल 2 रुपए दे। मैं कहां से लाऊं, खुद कमाओ जाके। ये सवाल तुम अपने बाप से पूछ रही हो? कभी ढेला कमाया तुम्हारे बाप ने जो अब कमाएगा? जुआ खेलने के लिए पैसे दो, ये कहते हो शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर कहूं नहीं तो रुपए मिलेंगे? इज्जत आबरू कुछ नहीं है तुम्हारी। कुछ नहीं है, ना इज्जत है ना शर्म है। 2 रुपए दे, एक इज्जत का एक शर्म का 1 रुपीज। अबे उस बक्से में डाल दिया नौकरी की अर्जी के लिए। कोई मेल सर्विस से पारी आई? अपने साथी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बेचारा समझ ले मिल गई नौकरी। अबे किस बेवकूफ ने कहा अर्जी देने से नौकरी मिल जाएगी?
अबे जा लल्लू कहीं के। कहीं भी कर देते हैं। मैडम, मैम साहब, सोने भी नहीं देते। क्या नाम है उस लड़की का? जग्गू की बेटी। मैम साहब, मैम साहब, कौन है? यहाँ हूँ, मैं हूँ राकेश कुली। सुबह आया था ना आपके वो पिताजी को मारने, मतलब पकड़ने। अब किसे पकड़ने आए हो? वो घर पे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। सुबह आया था तो एक पासपोर्ट से इसकी फोटोग्राफ थी मेरी जेब में। कहीं वो तो नहीं गिर पड़े आपके घर में? मैंने नहीं देखी। नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए ना प्लीज। एक ही फोटोग्राफ थी, एप्लीकेशन के साथ लगानी है, फिर खिंचवानी पड़ी तो 10 रुपए लगेंगे। प्लीज देख लीजिए ना प्लीज। अभी शामी को मैंने कूड़ा फेंका है, मुझे नहीं मिली। मौसमी के छिलके बहुत मिल रहा है। बड़े अमीर लोग रहते हैं क्या बिल्डिंग में? अमीर नहीं, बीमार लोग रहते हैं। बीमार? प्लीज जाने दो ना, मुझे नहीं लगता है मिलेगी। और नीचे मत ढूंढो। क्या पता, बहुत नीचे पहुंच जाए तो कहीं सोशलिस्ट में मिल जाए। आहा, मिल गया, मिल गया। क्या सोशलिज्म? नहीं, कीचड़ में हीरा मिल गया। क्या? ये रहा, हजारों साल चट्टानों के नीचे जलता रहता है, बड़ी मुश्किल से कोई कोयला बन पाता है हीरा। थोड़ा सा पानी देंगे? काम के छोटे बड़े होने का सवाल नहीं है। काम कोई भी हो, बाइज्जत हो और सही हो, लेकिन गलत हो, गैर कानूनी हो, गंदगी हो तो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, और देखे आंखें बंद भी नहीं कर सकता हूं। बस कुछ ही दिन पहले की बात है, फटफटी चलाने लगा था, और फटफटी चलाने वाले का ध्यान आगे रहना चाहिए ना। मेरा ध्यान तो पीछे गया। अरे सुना है कल जितने लोगों ने पी है सबके सब अस्पताल में पड़े हैं, और पता चला है 2-4 तो अस्पताल में पहुंचते पहुंचते चल बसे। लेकिन ये भी तो वही दारू है, इसे पी के कुछ और लोग चल बसे तो? अरे अपनी बला से मियां, जिनकी आई है उन्हें को बचा सकता है। पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो भाई? हमने क्या किया भाई? हम छोड़ो। मैंने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वो तो 2 दिन में जमानत दे के छूट गए, लेकिन फटफटी वाले ने मुझे नौकरी से अलग कर दिया। फिर क्या, एक और नौकरी मिल गई, ट्यूशन की। एक लड़की को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना था। फिर वापस सड़क पे। मैं राकेश से। आइए।
आए। बैठिए। लुंगी बैठिए। आप भी बैठिए ना। नहीं बैठ सकता आना। एक्सक्यूज मी। अबे आया। मैं एक काम से आई थी आपके पास। जी कहिए। मैं एक ड्रामे में काम कर रही हूँ। वहाँ एक एक्टर अचानक बीमार हो गया। वो लोग बहुत परेशान थे तो मैंने आपका नाम सजेस्ट कर दिया। मेरा? हाँ। एक्टिंग के लिए? हाँ हाँ। अरे देखिए मैं मान गया। एक्टिंग में बुराई क्या है? और ऊपर से 50 रुपए भी मिलेंगे। अच्छा ना, डरता है क्या? अबे साले, अबे डर नहीं है लेकिन। अच्छा आप इंतजार कीजिए, मैं कपड़े बदल के आऊंगा। अभी आ रहे। लंच कर लिया? नहीं, वो ग्रीन वाली पैंट का। ग्रीन वाली पैंट? ऊपर क्या देख रहे हो? तो खा लो या बाहर खाते हो? देखिए मैडम, सच तो ये है कि हम यही खाते हैं। हाँ, यही खाते हैं। सेल्फ कुकिंग? हाँ, सेल्फ कुकिंग। सेल्फ कुकिंग? तो फिर देर किस बात की, खा लो। वहां तो बहुत देर लगेगी, रिहर्सल भी करनी पड़ेगी। खाना तैयार तो है ना? तैयार है ना। कब का? कब का? तो फिर खा लीजिए आप लोग, मैं इंतजार करती हूँ। और आप? मैं तो खा के आई हूँ, आप लोग खा लीजिए जल्दी से। आप नहीं, आप बैठे, हम खा के आते हैं। चिकन तो है ना? हाँ। है। घी या दही? हम खा लेते हैं। टेक योर ओन टाइम। थैंक यू। क्या हुआ? चावल बहुत गर्म है। चावल? अबे क्या? अबे चुपचाप खड़े हो, प्लेट तो ले लो भाई। सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? पहले पराठा खा लेते हैं। पराठा? हाँ पराठा। एक दिया तुमने, दो नहीं दे सकते। तुम जानते नहीं हो मुझे ज्यादा भूख लगती है। ओफो, हमेशा जल्दबाजी करता है तू। दे दे साला, रोता रहता है पेटू कहीं का। बस 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 बस, मेरा पेट फट जाएगा यारा। वो चावल का पतीला यहाँ रख। हाथ मत डाल, खर्ची ले लो भाई। हाँ ये लो डाल। तड़का लगाया था ना? हाँ लेकिन लहसुन तो कम है। भिंडी? भिंडी की सब्जी? भिंडी। हाँ हाँ यार, नमक कुछ कम लगता है मुझे। मुझे तो नहीं लगता। ठीक है। घी? 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 हाँ घी। घी? घी। मैं पहले से ही मोटा हो रहा हूँ। पापड़? 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 हाँ हाँ। चिकन? 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 पका हुआ चिकन, जिंदा नहीं। अच्छा अच्छा, स्वीट डिश होती तो मजा आ जाता। रसगोला पीतम जदी लो 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 लो। अचार? अचार? ये लो। लेकिन संभाल के भारत अचार खाओ। पानी दो, पानी दो। लिम खा, लिम खा, fun times, limca times, happy times, limca times, funny times, limca times, limey, lemony, limca, 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 limca. ये क्या? हिचकी, हिचकी. Fantastic. Very good. Thank you. Fantastic. Overacting. क्या इतना काफी नहीं है? दो तीन मिनट कर दो भाई. Take your own time. सूप 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 सूप
हाय मेरा पेट तो भर गया। ओवरएक्टिंग करके सत्यानाश कर दिया। यही सब खाते हैं आप? तो सचमुच का कब खाते हैं? कभी कभी। अब पहला काम मुझे ये करना होगा कि टेबल मैनेज नहीं है? टेबल ही नहीं है तो मैनेज कहां से आएंगे? आप लोगों ने हाथ धोए? मैंने 4-5 बार हाथ धो लिए। शेरानी जी कभी पंजे धोते ने? कहता है शेर भी कभी पंजे धोते हैं शिकार से पहले। तो ये शिकार है आप लोगों के लिए? ये पंजाबी है ना, इसलिए अपने आप को शेर समझता है। ये शिकार नहीं, दावत है। दावत दावते मुगलिया जहांगीरे शाहजहानी। ये क्या हुआ? दादी माँ, खालो, कोई बात नहीं। अबे उठ, उठ, तू भी उठ। इडियट्स, अब भी। कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अन? आज के 15 अगस्त है जी। क्या हुआ बेटे? दादी माँ गुजर गई। एक मिनट, अब क्या करें? कुछ इंतजाम तो करना होगा ना। मेरे पास तो मैं जानता हूं, तुम्हारे पास जो कुछ था हम भूखों को खिलाने के लिए खर्च कर दिया। अमित, ये लेके जा, बेच के जो मिलता है ले आ।
राकेश तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ। कुसुम की दादी माँ की चिता के लिए चंदा जमा कर रहा हूँ और 200 रुपए चाहिए। है तेरे पास? लेकिन राकेश इससे 200 रुपए नहीं मिल सकते। राकेश ये चलेगा? ये भी काफी नहीं। अरे इसे तो रहने दो यार, भगवान की मूर्ति है। क्यों? ये उस बुढ़िया को जिंदा नहीं कर सकता। तेरा भगवान इस वक्त शमशान में भी काम ना आया तो फिर कब आएगा? लो। ये लो। इतने ही जमा कर सका। राकेश तुम्हारा यह धन बाबू कहाँ है तुम्हारा? आज तो रियल ड्रामा कर रहा होगा सड़कों पर। नहीं राकेश, जब तक दादी जिंदा थी उनकी मौत के ड्रामे किया करता था सड़कों पर, और जब से मरी है बस उनके सराहने बैठकर रो ही जा रहा है। माँ राकेश आइए। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। पागलों की तरह लड़ रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं। हाँ, लड़ाई तो होती रहती है, रिश्तेदारी है ना। इसी तरह हर रोज लड़ते हो तो क्या? गरीबी ने बड़े पक्के रिश्ते में बांध रखा है हमें। वाह वाह, डायलॉग तो बहुत अच्छे बोल लेते हो तुम। चलो आज जाना है वही ड्रामे के लिए। ये एक मामूली शहंशाह, ये एक शहंशाह और एक मामूली इंसान में सिर्फ राजपाट की बनाई हुई दीवार है। सलीम तुम अनारकली को मरने नहीं दोगे और हम उसे जीने नहीं देंगे। जहाँ बला सलीम बच्चा ही तो है, अगर इसने कोई गुस्ताखी की है तो माफ कर दीजिए। मेरे कंसर्न भी कोई समझता ही नहीं। और वासु तुम्हारी आवाज यहाँ पेट के अंदर से निकलनी चाहिए। हमने भाई इट इज टाइम, वो पापा जी की तरह। सलीम तुम अनारकली को मरने नहीं दोगे और हम उसे जिंदा रहने नहीं देंगे लाइक दिस। और बाबू तुम कुत्ते की दुम तड़ी की तड़ी रही। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। बड़ी हेल शिट, कम ऑन वन टिकट ऑल वन नाउ। डिस्गस्टिंग कोलेशन एक्टर्स। ये एक शहंशाह और एक मामूली इंसान में सिर्फ राजपाट की बनाई हुई दीवार है। सलीम तुम अनारकली को मरने नहीं दोगे और हम उसे जीने नहीं। जा बड़ा सलीम बच्चा ही तो है, अगर उसने कोई गुस्ताखी की है। मैं अपने लवर को लाई हूँ, मेरा मतलब है आपने जो लवर के रोल के लिए कहा था ना उन्हें लाई हूँ। मिस्टर राकेश, ये है मिस्टर प्रताप, ये हमारे स्टेज के डायरेक्टर हैं। अच्छा अच्छा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑल इन वन। प्लीज टू मीट यू। किसी ड्रामा में काम किया कभी? जी नहीं। कोई ड्रामा देखा है कभी? जी नहीं। कम से कम कोई ड्रामा पढ़ा तो होगा कभी? जी बिल्कुल नहीं। गुड,
तुम बहुत सेटर बनोगे। ओए। इनकी लवर की हैसियत से खड़े होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास? आप एक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? प्रताप, ये तुमने क्या किया? हे भगवान, मेरी मांग भरने से... में गिरो। हे भगवान, मेरी मांग भरने से पहले ही उजड़ गई, मेरे सपने सुबह की रोशनी देखने से पहले ही चूर चूर हो गए। राकेश, राकेश तुम्हारा डायलॉग। प्रॉम्प्ट। देवी, एक मामूली सी गोली ने हमारे सपनों के महल गिरा दिए। देखो देवी, राकेश बड़ी डायलॉग्स। डायलॉग? मैं नहीं बोल सकता सर। क्यों, भूल गए? प्रॉम्प्ट सिम। नहीं सर, गोली मेरे सीने से उतर चुकी है, मैं मर चुका हूँ। तुम अभी नहीं मरे, तुम डायलॉग बोल के मरोगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? डायरेक्टर तुम हो या मैं? गोली आपको लगी या मुझे? गोली लगने के बाद इतने लंबे डायलॉग कोई नहीं बोल सकता सर। शोले में अमिताभ बोलता कि नहीं बोलता? कितनी बड़ी हिट थी। तुम मुझे कोई मामले डायरेक्टर समझते हो? मेरा जमीर, मेरी अकल मुझे नहीं बोलने देती सर। नो, आई एम सॉरी। गेट आउट। मैं चाहूं तो पता चैटिंग करा सकता हूं। सीन 36। मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज तुमसे माफी मांगने आया हूं। क्यों, किस बात की? रिहर्सल पर जो हुआ, इसलिए। अच्छा, एक बात पूछूं, ये जो गुस्सा करते हो, किस पर? खुद पर, आसपास के लोगों पर, ये सारी दुनिया पर ही गुस्सा आता है तुम्हें? जहां हिपोक्रेसी हो, मक्कारी हो, वही गुस्सा आने लगता है मुझे। शुरू से ही ऐसे हो या? खानदानी है मेरा गुस्सा, विरासत में मिला है। अजी सुनती हो, राकेश की माँ? क्या है? अरे मेरा तानपुरा कहाँ गया? यही कहीं होगा। अरे यहाँ नहीं है जहाँ रखा था। शायद हॉल में होगा, देखिए ना। अरे वो कोई इलायची की डिबिया है जो चूक जाए। हॉल में तो मैं देख चुका हूँ, हॉल में नहीं है। अब तानपुरे जैसी चीज गायब कैसे हो सकती है? मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। शाम को रियाज खत्म करके यही तो रखा था मैंने। क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा तानपुरा कहाँ गया? मैं बताता हूँ। कहाँ है? बाजार में है। बाजार में? मैंने बेच दिया। क्या? तूने मेरा तान? मैंने पैसे मांगे थे आपसे, आपने पैसे देने से इनकार किया, मैंने तानपुरा बेचकर पैसे ले लिए। लेकिन ये ख्याल रहे, बाहर किसी से मांगता तो आप ही की बेइज्जती होती, आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने ये किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ये जलील हरकत क्यों की? जरूर। दिल्ली जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, दिल्ली का टिकट खरीद कर बाकी पैसे से आपके लिए अंगूर लाया हूँ। मेरी ये जुर्रत? मैंने थोड़ी अपने खर्चे के लिए पैसे मांगे थे, पोस्ट ऑर्डर के लिए पैसे मांगे थे, आपने विश्वास नहीं किया और देने से इनकार कर दिया। अपना बाप नहीं देगा तो और कौन देगा? आपको सबक सिखाने के लिए मैंने किया। एक मिनट भी इस घर में नहीं रहेगा, इसे कह दो घर से निकल जाए। ये क्या हो रहा है बाप बेटे में? कहाँ जा रहे हैं बेटे? दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? नौकरी ढूंढने के लिए। अरे यहाँ नहीं बिकता, दिल्ली जाकर क्या करेगा? कम से कम आपकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी ना। जाने दो इसे, दफा हो जाने दो इसी वक्त। अगर यहाँ रहेगा तो एक दिन अपने बाप को भी बेच डालेगा। खरीदेगा कौन? सुन लिया तुमने? निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ, और जीते जी कभी मुझे मुंह मत दिखाना। जाता हूँ। हाँ। जाते हुए आपको यकीन दिला जाऊं, आपका नाम, आपकी पदवी, आपको मुबारक। किसी ने पूछा भी आपका नाम नहीं लूंगा।
और आपके तांपुरे के पैसे उधार रहे मुझ पर। प्रणाम। नहीं नहीं बेटे, मत जा। तू अंदर जा। शायरी करने निकला है, करने दो शायरी। अब सुनूंगा इसकी शायरी। शायरी सुनिए। किसी की भी परवाह करते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, कहें और क्या हम तो हैरान हैं, खुदा जाने कैसे ये इंसान है। कभी टूट कर जो बिखरते नहीं, किसी की भी परवाह करते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। अरे भाग रही है। लिफ्ट चाहिए? जिंदगी में लिफ्ट किसे नहीं चाहिए। कल फिर लिफ्ट मिलेगी। मैन और मेनू बदलते रहना चाहिए। तुम्हारे प्यार में सुख भी है दर्द भी है। जैसे दुख को जाने बगैर सुख का मजा नहीं मिलता, वैसे प्यार में दर्द को जाने बगैर ऐसा लगता है राकेश हम तो गाना गा रहे हैं। तुम सिर्फ प्रॉम्प्ट करो ना। अच्छा अच्छा चलो फिर से। तुम्हारे प्यार में सुख तुम्हारे प्यार में सुख भी है दर्द भी है। ठीक है। जैसे दुख को जाने बगैर सुख का मजा नहीं मिलता, वैसे प्यार प्यार में दर्द को जाने बगैर प्यार की पहचान नहीं मिलती। नहीं 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 शुरू से। तुम्हारे प्यार में सुख भी है दर्द भी है। जैसे दुख को जाने बगैर सुख का मजा नहीं मिलता, वैसे प्यार में दर्द को जाने बगैर। इडियट। इडियट क्या? वो हमें कब से झांक झांक के देख रहा है। कौन? कहाँ? देखो 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 हमें कब से देखे जा रहा है वो रास्कल। सुवर का बच्चा क्या जांग जांग के देख रहा था? लाइन मार रहा है क्या? अबे जाके अपने माँ को लाइन मार। राकेश छोड़ दो, क्या कर रहे हो? चुप रहे, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उठ उठ, माफी मांग इससे। अरे उठ ना। राकेश यहाँ आओ, वहाँ देखो। क्या? आओ ना। अच्छा तो ये बना रहे थे तुम? पहले ये कहने सकते थे कि अबे हंसते क्या हो? बोलते क्यों नहीं? क्या हिंदी नहीं बोल सकते क्या? तो पंजाबी, मराठी, बंगाली या तमिल? तो अब फिर अमेरिका से आए हो क्या? कुछ तो बोलो यार। घूमे हो? चलो एक हिंदुस्तानी तो मिला जिसके लिए जबान का झगड़ा नहीं है। मेरा तो ख्याल है यही बेस्ट राष्ट्रभाषा है हमारी। कहाँ
कहीं छोड़ दो। राकेश देखो कितनी सुंदर है। कुसुम कुसुम सॉरी मैं बाद में आता हूँ। एक मिनट मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। नहीं ठीक है मैं बाद में आता हूँ सॉरी। मैं कहती हूँ मेरे पास एक पाई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। कुसुम मैंने तुझे जन्म दिया और पाए पाए के लिए मैं तेरे पाँव फूटू, शर्म आनी चाहिए। हे भगवान कैसे देश में मुझे पैदा किया। अरे तू तो 3 साल से कमाने लगी, मैंने 18 साल तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, 18 साल का कोई हिसाब नहीं है। अरे 1 साल के 2 रुपए पकड़ो, 36 रुपए हो जाते, चल 6 रुपए तुझे कम कर दिया। अरे 30 रुपए तू दे ले सकती जब वो मांगता है तू अपने बाप को। एक ढेला नहीं दूंगी अपने बाप की कसम। मिट्टी का तेल कहा है बस, जब वो पहले मिट्टी का तेल दूंगी, मिट्टी का तेल। कुसुम आप देख तेरा पिता क्या करता है, देखने नहीं आओगी तो पछताओगी। मिट्टी का तेल ये सब क्या है? मिट्टी का तेल डाल के राख हो जाऊंगा। हाँ तुम तो समझते मैं झूठ मूठ ड्रामा कर रहा हूँ, ड्रामा नहीं मैं सचमुच जल के मर जा रहा हूँ। दिल्ली बोल जला दू, बोल जला दू क्या, बोल जला दू क्या, जल्दी बोल। अरे मेरी उंगली, मेरी उंगली, बोल जल्दी। तू क्या समझती तिल्ली खत्म होगी? अरे नहीं बहुत है बहुत है, मैं तो जल के ही रहूंगा। हाँ क्या ज्वाला है, अब मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा तो सारे अखबार में छप जाएगा कि एक गरीब बाप अपनी बेटी के सामने जल गया, बेटी खड़ी तमाशा देखती रही। बोल जला दूं, बोल जल। बोलती तो कुछ नहीं। अरे मैं जल जाऊं या तुम्हारा इंतजार करूं? पैसे रखने की जगह रोज बदलती रहती हो, नहीं तो मैं इतनी तकलीफ क्यों देता? कितने चाहिए तुम्हें? कितने हैं? कितने चाहिए तुम्हें? कम से कम 30 रुपए दो। पहले तुमने अपने बाप को जलाया, फिर माँ को फूका, अब एक मैं रह गई हूँ, मुझे भी चिता के हवाले कर दो, फिर जो मर्जी आए करना, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। ये लो बेटी। पहले ही पैसे दे देती, मिट्टी के तेल के पैसे तो बच जाते। देखा तुमने मेरा अपना बाप मेरा क्या हाल करता है? ठीक ही करता है, जब धमकी से दूध मिले तो गाय को चारा डालने की क्या जरूरत है? अपनी इस हालत की तुम खुद जिम्मेदार हो, किसी से रहम मांगने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ मेरी किस्मत ही ऐसी है। हाँ किस्मत, किस्मत सिर्फ तुम्हारी है,
इस देश की हर औरत की किस्मत यही है, जब तक माँ बाप के घर रहती है वहां की गुलामी करती है, पति के घर जाती है तो उसकी गुलाम हो जाती है, और बाल बच्चे बड़े होने लगते हैं उनकी भी गुलामी करने लगती है। स्टूपिड विमन। ऐसा बाप हो तो मैं क्या करूं? मत करो, मत करो जो करती हो। क्यों पाल रखा है? सॉरी, तुम्हारा बाप है वरना इस तरह तो गली के कुत्ते भी नहीं काटते। जलने दो अगर जलना चाहता तो। ऐसा बाप जिंदा से मुर्दा अच्छा। राकेश, जो भी है वो मेरा बाप है। ये डायलॉग मैं जानता हूँ। ये बाप है, तुम बेटी हो, तुम दोनों के बीच में दखल देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? नारद मुनि, बाप बेटी में क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है? बोल। कितना घास ले डाला ऊपर? 2 लीटर। 2 लीटर काफी है? हाँ, क्या मतलब? तुम्हें फूकने के लिए 2 लीटर काफी है कि और डालो? ये तू क्या कर रहा? तुम जलना चाहते थे ना, मैं जलाता हूँ। देख, मैं जल जाऊंगा पाप तेरे सर पर रहेगा, मालूम है? मेरे पाप की फिक्र मत करो, किसी की इच्छा पूरी करने से पुण्य मिलता है। अरे घर में पानी नहीं है, कॉर्पोरेशन का आजकल पानी कहाँ था? चाहिए तो सारा पैसा ले ले बाबा। हाँ बाबा, हाँ ले ले, पूरा पैसा देता हूँ, बस तेरी जितनी इच्छा हो मेरे को वापस दे दो। मेरा भी हिसाब है ना, 5 रुपए के रमी खेलता हूँ, 5-10 रुपए का मटका, अच्छा 5-10 रुपए की शराब पीता हूँ। अब जब शराब पीता हूँ तो मुर्गी खाऊंगा 5-10 रुपए की, अब मुर्गी खाऊंगा तो रेस को जाऊंगा, 5-50 रुपए तो चाहिए। तुम्हारे पैसे मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मेरी बेटी का माल लेना है। ठीक है माँ जी, रहने दो। राकेश, ओए राकेश, अरे कितनी देर से बालकनी में खड़ा है यार, चाय ठंडी हो रही है। ओए, अरे भाई कितनी देर से बुला रहे हैं, इस चाय के साथ हम दोनों भी ठंडे हो जाएंगे। ये क्यों दिमाग खा रहा है? क्या पता यार, न चाय खुद पीता है न हमें पीने देता है, अगर हमने अकेले पी लिया तो ये हमें मार डालेगा, समझ गया? आज 4 दिन हुए सोनी से मुलाकात नहीं हुई हमारे महिवाल की। ओ तो ये बात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहले मुलाकात है जी, पहले मुलाकात है। तो बोल बाबा, बिछड़े हुओं को मिला देवे, हाय सप्रू थिएटर का पता बता देवे, क्या बात है, जहाँ कुसुम देवी ड्रामा कर रही हैं, हाय हाय अपने प्यार में ठंडी आह भर रही है। सप्रू थिएटर? हाँ ड्रामा, हाँ हाँ चाय। ओ बंधु रे, लोग मुहब्बत कर दी।
मेरा है, ये ट्रूप मेरा है, and I pay for everything, including the mistakes you commit. What was that? सपना था, imagination था, पागलपन था, क्या था वो? पंजाबी के ड्रामे में हिंदी? ड्रामे का राइटर कौन है? ड्रामे का प्रोड्यूसर कौन है? किसकी मर्जी तुमने ये किया? मैं जानता हूँ, तुमने ये जानबूझ के तबाह करने के लिए क्या मुझे? लेकिन नहीं, बताओ को तुम तबाह नहीं कर सकती। बताओ आप एक तरफ तक जो मारा है, इज़राइल जाएगी मोटल। ये तो तेरे लिए भाई। As usual, no vacancy लिखा होगा। तुम ही पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? With reference to your application for the post of assistant, you are required to be present at Cannaught Place branch at 3 p.m. on the 27th instant. अरे तो आज के लिए 3 बजे। राकेश मुबारक हो। भाई राकेश, इस बार तो तेरी जीत है। आज दो दिन से मेरी दाई आंख फड़क रही है और मैं सोच ही रहा था कि जिंदगी में पहली बार मेरी दाई आंख फड़की है, कुछ ना कुछ भला होकर ही रहेगा। अच्छा तो चलो चल के राष्ट्रपति के आंख फड़काए, देश का शायद कुछ भला हो जाए। Bloody superstitious idiot। तू नाराज क्यों होता है यारा? मैं गणेश जी के पास जाता हूँ, तू इंटरव्यू पे जा। मैं किसी इंटरव्यू पे नहीं जाऊंगा। चलो 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 डार्लिंग, उठकर तैयार हो जाओ, 3 बजे तुम्हें इंटरव्यू पर जाना है। अबे जा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देख यारा, तेरे को अगर नौकरी मिल जाएगी ना तो हम सब के दाने पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। देखो तिलक, ये सब दिखावे की बात है, जिस किसी के चाचा भतीजे को नौकरी मिलनी होगी मिल जाएगी। यू शट अप, ये इंटरव्यू सब आंख की धूल है, धूल। ओ यो मायूस नहीं होते हैं, जहाँ 100 इंटरव्यू दिए हैं वहाँ 101 सही। चलो उठकर दाढ़ी बना। मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं हजामत बना दूं तुम्हारी। तुमने की तो इंटरव्यू वाले क्या करेंगे। मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। अच्छा दाढ़ी ना सही, लेकिन इंटरव्यू पर कोट पहनकर जरूर जाना पड़ेगा। हाँ, इंटरव्यू के लिए कोट बहुत ही जरूरी है। तुम्हारे गणेश जी ने भी पहना था कभी? गणेश जी की पर्सनैलिटी उनके पेट में है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कोट में है। कोट कहाँ 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 कहाँ? वो देख कोट आ रहा है, चल चल। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ, अपना आदमी अमर लो। एक और बंगाली दादा। कोताई ठाके कोताई तालीगंज है ना, बालीगंज है। आप लोगों क्या चाहिए? दादा आप एक बात बताइए, क्या आप अपना देश अपना सोनार बंगला छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। दादा सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से, फिर कभी शाम को 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे घर लौटते हैं। दिन दिन क्या आप समझते हैं कि राम राज्य में कभी ऐसा होता होगा? ना। आप समझते हैं राम राज्य के दिन कभी वापस आएंगे? अरे बाबा क्या चाहिए आप लोगों को, पैसा मांगता है। चार चार आना लो, चाय पी लो। आपने इंडिया को इतना चीप समझ रखा है? अरे बाबा क्या चाहिए दादा। एक घंटे के लिए। सीरियस? एक घंटे के लिए आपका कोट चाहिए। कोट? कोट दादा, कोट। हमें इंटरव्यू पे जाना है और इंटरव्यू खत्म होते ही। चलेगा मैच करेगा? थोड़ा चलेगा, लेकिन यारा बहुत तगड़ा है, कहीं एक आध धर दिया तो। अरे तगड़े लोग यहाँ से थोड़े कम होते हैं। चल। चल। पेंटिंग ऐसी लगी सर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप अपनी तस्वीर बनाएंगे सर? हैं?
बनवाएंगे बनवाएंगे बनवाएंगे। मैंने कहा था ना यहाँ से थोड़े कमाली होते हैं। सही कहा था। बैठिए जी। आप जैसे आर्ट के कदरदान बहुत कम मिलते हैं। मिलते ही नहीं है। ये है आर्टिस्ट अरुण कुमार। ये आपका पोर्ट्रेट एक घंटे में बना देंगे। एक घंटा बहुत ज्यादा होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे आप बैठिए तो सही, आपका काम जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देंगे बस। हमें ऑफिस जाना है साहब। ऑफिस कैजुअल लीव ले लीजिए। कैजुअल लीव नहीं है, सिक लीव। सिक से क्या लगते हैं बीमार है, यकीन नहीं करेगा। आप तो परमिशन ले लीजिए। परमिशन कौन देगा? मैनेजर देगा। अरे मैं तो मैनेजर हूँ। परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड। ठीक है जल्दी हो जाएगा ना। जल्दी हो जाएगा ना। हाँ हाँ। आर्टिस्ट तो ये है, उससे क्या पूछता। ये गूंगा है ना बेचारा, इसलिए वो उसका स्पीकर है। मैंने कहता था कि यहाँ से थोड़े से ऐसे ही होते हैं। कोट उतार दीजिए। उतार दीजिए। क्यों? इंटरव्यू के लिए। क्या इंटरव्यू के लिए? पेंटिंग के लिए। पेंटिंग के लिए। पेंटिंग के लिए। अरे ओ या बात कोट क्या बोले। आप ऐसा कीजिए, अब आप ये बटन भी खोल दीजिए। खोल दीजिए। आपकी बॉडी बहुत सॉलिड है ना। सॉलिड आनी चाहिए। शर्ट भी उतारते हैं। वाह वाह क्या बॉडी है भाई अरुण कुमार। क्या बॉडी है, क्या बात है, क्या बदन है। अरे ठीक है उतारता हूँ उतारता हूँ। अरे तो सही। वाह कुमार शुरू हो जाओ। और कितनी देर लगेगी भाई, हम जा रहे हैं। अरे यार किधर चले यार। इतनी ग्रेट बॉडी है जी, टाइम तो लगेगा। कोई दुबला पतला होता तो कब की बन चुकी होती। अच्छा आप मुस्कुराते रहिए, स्माइल। मुस्कुराते मुस्कुराते मुँह थक गया। थक गया ऐसे चलेगा। ठीक है ठीक है। मिस्टर राकेश कुमार शास्त्री। मिस्टर राकेश कुमार शास्त्री। मिस्टर शास्त्री। मिस्टर राकेश कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश कुमार शास्त्री। रिलीजन हिंदू, बिहारी हो? हिंदुस्तानी हूं। फिलॉसफी में एमए क्या? जी हाँ। ये तो एक मामूली क्लर्क की नौकरी है, इसमें तुम्हें फिलॉसफी क्या काम आएगी? फिलोसोफर की नौकरी किसी दफ्तर में भी नहीं और क्लर्क का कोर्स किसी कॉलेज में भी नहीं। इंटरव्यू पर आने के लिए तुम्हारे पास साफ कपड़े नहीं थे? पहले आप नौकरी दे दीजिए, फिर रोज साफ कपड़े पहनकर आया करूंगा। डेनमार्क की राजधानी का नाम बताओ। कोपेनहेगन सर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? यस्टरडे टुडे और टुमारो, क्योंकि रोज बदलते रहते हैं। किस दिन की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं जानता इसलिए बात को टाल रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सच बताऊं? हाँ हाँ। सुधर नहीं सकती सर। एमए में फिलॉसफी किए हो और कवि भी हो, हिंदी में कोई फिलॉसफिकल मुहावरा बोल सकते हो? जब भूख दरवाजे से दाखिल हो तो इज्जत आबरू खिड़की से भाग लेती है। तुम कौन सी पार्टी से हो? बेरोजगारों की पार्टी में, द अनएम्प्लॉयड लॉट ऑफ इंडिया। मिस्टर राकेश कुमार शास्त्री, क्या तुम बता सकते हो ईरान का फ्यूचर क्या है? ईरान का फ्यूचर आपको मालूम है, कोमेनी को पता है। यह दुनिया की वेदर रिपोर्टिंग ब्यूरो है क्या? आप जानना क्या चाहते हैं? एक मामूली क्लर्क की नौकरी के लिए इतने सारे सवालों की क्या जरूरत है? अगर आप उम्मीदवार पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं तो क्यों इतने सारे लोगों की? I'm sorry, sir. अच्छा मिस्टर शास्त्री, हमारा जो भी फैसला होगा उसकी खबर तुम्हें भेज दी जाएगी। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू। He seems to be impertinent. Hello. तुम कम्युनिस्ट हो? कम्युनिस्ट होना कोई गुनाह है क्या? नहीं, अगर तुमने मजदूर यूनियन बना ली तो? मजदूर यूनियन मजदूरों से बनती है, कम्युनिस्ट से नहीं। जो भी हो, आप जैसे लोगों से गड़बड़ नहीं चाहिए कल ऑफिस में। कल क्यों, आज ही कर सकता हूं, आप ही कर सकता हूं। अरे आपका जो फैसला है मैं जानता हूं, अगर आप नहीं जानते मैं बता सकता हूं। आपको आप जैसे तमाम दफ्तरों को गुलामों की जरूरत है, किसी पढ़े लिखे खुददार ग्रेजुएट की नहीं।
अगर आपको अपना ऑफिस चलाना है तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को ताला लगवा दीजिए और इन डिग्रियों को फाड़ कर अपनी वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दीजिए। एजुकेशन डाउन डाउन, नेपोटिज्म डाउन डाउन, लेप्चेपिज्म डाउन डाउन, डेमोक्रेसी डाउन डाउन, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एजुकेशन डाउन डाउन, नेपोटिज्म डाउन डाउन, लेप्चेपिज्म डाउन डाउन। अच्छी तरह खा, पता नहीं कब फिर कब मिले। बहुत टेस्टी है। परेशान लग रहे हो, तबीयत ठीक नहीं क्या? ए, क्या हो? अरे रो क्यों रही हो? मैंने सोचा तुम्हें तकलीफ ना दूं, लेकिन क्या बात करते हो, बोलो क्या हुआ, बोलो ना। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया। बापू के बार मार मांगने पर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। और क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने अपने ऊपर घासलेट डालकर? नहीं नहीं नहीं, वो घर छोड़ के चले गए। बस इतना ही? तुम भी गन चकर हो। अच्छा चाय पियोगी, पर दूध के बगैर? अरे कुसुम, ए कुसुम, तुम्हारे बापूजी कर्जों से डरकर अंडरग्राउंड चले गए होंगे। जब उनकी जेब खाली हो जाएगी अपने आप वापस आ जाएंगे। क्यों, चाय पिए? मैंने भी वही सोचा था, लेकिन आज 7 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चला। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, मुझे तो डर लग रहा है। देखो कुसुम, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे लोग आत्महत्या नहीं करते, ये मैं यकीन दिला सकता हूँ तुम्हें। जैसे भी थे, रात को घर तो लौट आया करते थे, कम से कम कोई पुरुष तो था घर में। अबे अबे साले, टी शर्ट कहां से लेके आए? बता ना, टी शर्ट कहां से लेके आए? दिलीप ने दी। हाँ, पैसे नहीं, आइडिया। फिर दिलीप? दिलीप तो हर मर्ज की दवा है। हुआ यूं कि शहर में एक जगह बाय इलेक्शन चल रहे हैं, मैंने जाकर फर्जी नाम का ये वोट डाला, 50 रुपए मिले, 35 रुपए की टी शर्ट खरीदी और 15 रुपए का खाना खाया मोती महल में। मोती महल में 15 रुपए का खाना, वोट की कीमत वसूल। हरामखोर, हरामजादे, खुदगर्ज, अच्छे दिन से भूखा बैठा हूं, एक डाल पेट में नहीं गया, 6 दिन से एक डाल पेट में नहीं गया। हाँ, 1 रुपया बचा के नहीं ला सकता था? 1 रुपया बचा के नहीं ला सकता था तू? ये कौन है दिलीप? दिलीप कोई कौन है? ये दिलीप कौन है? दिलीप, 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 तुम कहाँ हो? अरे दिलीप! डोंट वरी, आ जाएंगे तुम्हारे बापू, जरूर लौट आएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा उन्हें ढूंढने की, पुलिस को भी इतला कर दिया। तुम चाहो तो हमारे साथ आकर रह सकते हो, इस घर का भाड़ा भी बच जाएगा, वहां तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, भूख प्यास से लेकर सब कुछ हमारे साथ बांट सकते हो। ओके, सोच लो, अगर चाहो तो। सॉरी कॉमरेड, आप दोनों के तकलीफ में खलल अंदाज हुआ। मैडम, आप शायद जानती होंगी कि आप एक ड्रामे में काम कर रही हैं, और जब ड्रामा होता है तो रिहर्सल भी होती है।
और रिहर्सल में आर्टिस्ट का होना बहुत जरूरी है। मैं पूछ सकता हूँ दो दिन से तुम कहाँ हो? हमारा गर्दों के साथ हमारा घूमने का वक्त है तुम्हारे पास? मिस्टर प्रताप, ओ, इन हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी की मैंने? हुजूर, देखो प्रताप, मैं और दो दिन तक रिहर्सल पे नहीं आ सकती। आपको काम देना है तो दीजिए, नहीं तो किसी और को ले लीजिए। किसी और को लेने का सवाल पहले नहीं होता मैडम। चाहे एक्टिंग का चिराग क्यों ना हो, अ स्टार इज अ ब्लडी स्टार। करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। और कुछ नहीं? कुछ नहीं तो फिर आप? तो फिर मैं जाऊं? हाँ, एक मिनट बैठ नहीं सकता मैं, हुजूर की जाय देनी पड़ेगी मुझे। हाँ क्यों, क्या मैं कोई कबाब में हड्डी बन रहा हूं क्या? जी नहीं, दांतों में कबाब बन रहे हैं, और भूखे दांतों में कबाब आ जाए तो आप जानते हैं क्या होता है? कसम, ये जा रहे हैं। जेलस बास्टर्ड, अमीर ज़्यादा, I hate him। मुझे उस आदमी का बर्ताव तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बुरा लगता है जब वो आदमी तुम्हें चू के बात करता है, हाथ लगा के बात करता है। इस पेशे में ऐसा ही होता है। तो ये पेशा क्यों? जीना है ना, बदकिस्मती से मैंने ये पेशा अपनाया। लेकिन एक बात, जो रुतबे मुझे जिंदगी में नहीं मिलते वो मैं स्टेज पे पा लेती हूँ। वो दो घंटे का नाटक मुझे करोड़पति बना देता है, पत्नी बना देता है, महालक्ष्मी बना देता है, महारानी बना देता है। चाहे झूठ मुठी सही, सपना ही सही, दिन रात की ये मौत, जीने के लिए इतना, जरा सी जिंदगी मर ले तो क्या बुरा है? इसका मतलब क्या है? ओ, लोगों की चिल्लाहट। लोगों के लिए इतिहास में कोई जगह नहीं है, है ना? भैया, तुम भी राकेश की तरह बात करते हो, सोचते हो, लेकिन कितना फर्क है तुम दोनों में। तुम कितने शांत हो भैया, और वो कितना बेचैन, कितना गुसीला। मैं जानती हूँ भैया, अंदर से बहुत नर्म है वो, कवि है ना, कवि का दिल है उसका, सारी दुनिया का दर्द देखता है, सिर्फ मेरा ही दर्द नहीं जानता। हेलो, नहीं नहीं प्लीज। क्या मैं देख नहीं सकती? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ कविता है। तुम्हारी कविताओं में जलन बहुत नजर आती है।
जले दिल से कविता लिखो तो शब्द नहीं बरसती, शोले ही बरसा करते हैं। लेकिन कभी तो शबनम भी बरसने चाहिए ना। जब शबनम की भीगे फूल मिलेंगे तो शबनम भी बरसेगी। अगर मैं सुर दूं तुम शबनम दोगे? जैसे सुर दूं वैसे शब्द दोगे? राइट नाउ? व्हाई नॉट, चलो हो जाए। तन दिन तेरे ना, तन दिन तेरे ना, तन तदिम ततन तेरे ना, तन दिम तन देर तेरे ना। गम प पम ग, गम प पम ग, गम प पम ग रे गम ध, पद नि ध नि ध पम पम ग। ओ गम प पम ग, गम प पम ग, सरगम के फूलों से बाबा गीतों की बने माला। ठीक है, तन दिम तनुम देर ना। क्या क्या? तन दिम तनुम देर ना, देर ना संगे बिना सुनी। अच्छा, संगीत बिना सुनी सपनों की मधुशाला। गम प पम ग, गम प पम ग, सरगम के फूलों से गीतों के बने माला। संगीत बिना सुनी, संगीत बिना सुनी सपनों की मधुशाला। गम प गम पम ग, सरगम के फूलों से गीतों के बने माला। बाप रे बाप, एक बार फिर कहो। हाँ हाँ, देर ना तदर दिम, तदर दानी देर ना तदर दिम। दो मीत बड़े पक्के पक्के, दो मीत बड़े पक्के, एक नैया एक खिवैया। तन देर ना तदर देर ना, दो नाम बड़े सुंदर, एक राधा कन्हैया। दो रंग बड़े प्यारे, दो रंग बड़े प्यारे, एक गोरा एक काला। गम प पम ग, गम प पम ग, सरगम के फूलों से गीतों के बने माला। देखती हूँ। ला 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 ला। कल रात तो मैंने सोचा सोचा। क्या? दू चांद को कोई ना। वाह वाह। कल रात तो मैंने सोचा चांद को कोई ना। ला 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 ला। ला 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 ला। नाम तो कितने सोचे पर कोई ना आया काम। फिर याद मुझे आया, फिर याद मुझे आया तेरे कानों का बाला। गम प पम ग, गम प पम ग, सरगम के
फूलों से गीतों की बनी माला। La 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 कहो तो धुन बदल दूं। ऐसे जीवन साथी दुनिया में होते हैं कम, जैसे दीप और ज्योति सी पर मोती तुम और हम। मैंने क्या कहना था, मैंने क्या कहना था, मैंने क्या कह डाला। की बने माला सरगम के फूलों से। हैंडसम बास्टर्ड। सुनीता, ये निगाहें जब भी किसी की तरफ उड़ती है तो मेरा सीना छड़ी हो जाता है। इन आंखों में किसी और को बसा हुआ मैं देख नहीं सकता। इन होठों पे किसी और का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे गले में वरमाला कोई और डाले, नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनीता, मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। मुझे कसम उस परवरदिगार की, इसने आसमान बनाया, ये जमीन बनाई और ये सूरज बनाया। मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। तुम मेरी होगी Thank you.
कौन है? कुसुम, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन इतनी रात गए? मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। कुसुम, प्रताप बहुत शर्मिंदा है। कुसुम, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। कुसुम, मुझे माफ कर। मिस्टर प्रताप, मुझे माफ कर। प्लीज प्रताप, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मुझे माफ कर। मिस्टर प्रताप, प्लीज उठ जाओ। मिस्टर प्रताप, तुम मुझे क्यों बोलती हो? सिर्फ प्रताप, तुम समझ नहीं सकती राकेश से मिलने के लिए मैं क्यों मना करता हूं। कुसुम, जब मेरा ड्रामा फेल होता है ना तो मुझे दुख होता है। राइटिंग जब फेल होती है तो मैं फूट फूट कर रो लेता हूं। अगर मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई खत्म, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। चाहती हो? नहीं। मैं जानता हूं, इसीलिए ये तो अंगूठी लाया हूं। आओ एक दूसरे को हम दोनों पहना दें। विथ माय लव। अभी? हाँ अभी। प्रताप, इस वक्त क्या बजा है? रात के 2 बजे। रात के 2 बजे कोई ऐसे चोरों की तरह मंगनी करता है? चोरों की तरह? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसी लगा, लेकिन मैंने सोचा पहले ही बहुत देर हो गई है और देर हो जाएगी, कि मैं फौरन चला आया। प्रताप, जहां इतनी देर हुई वहां 6 घंटे और सही। राइट, यू आर राइट। वही ठीक है ना? हाँ वही ठीक है। यस यस, साउंड्स राइट। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वो तो मैं कब का भूल भी चुकी हूँ। हाँ, मैं भी भूल गया। तो फिर मैं चलता हूँ। मैं चलूँ? चलो। दादा, वो दरवाजा अंदर से जरूर बंद कर लेना प्लीज। क्या हुआ? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन तिलक का कहीं पता नहीं चला। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। आज 7 दिन हो गए, वो इतने दिन कहीं और नहीं रह सकता। कहीं निराश होकर कुछ करना बैठा हो। नॉनसेंस, हमसे नाराज होकर कहीं चला तो नहीं गया? ए, तूने झगड़ा तो नहीं किया ना उसे? राकेश, मुझे डर है कहीं वो जयपुर ना चला गया हो। जयपुर क्यों? बहुत दिन हुए मुझसे दिलीप का पता पूछ रहा था। वो दिलीप है ना मेरा? हाँ, तो क्या कि मैंने उसे कह दिया कि वो जयपुर चला गया है, तो मेरे पीछे पड़ गया कि वहां का पता दो। मैंने झूठ मुठ का पता दे दिया यार। उल्फे पट्टे, तेरी हंसी निकल रही है। और वो सचमुच जयपुर चला गया होगा, तुझे मालूम है क्यों? बता, वो दिलीप है कौन? बोल। अरे, मैं आप लोगों के साथ रहने आई हूं, अगर जगह दे तो। वेलकम। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये शहर मेरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए चचा गालिब कह गए थे। टाइम क्या हुआ है? मेरी घड़ी में 8:30। ड्रामेबाजी मत करो, मैं तो पहले ही ड्रामा छोड़ चुकी हूँ और होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो संभाल। चावल पक चुके हैं, दाल तैयार हो जाए तो उतार लेना, संभालो। अरे अरे, ये क्या, होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मेरे सर पर क्यों डाल रही हो? मुझे आज काम पे जाना है। काम कहाँ? एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ बच्चा खिलाने की नौकरी मिल गई है। एक ही है? बच्चा या काम? बच्चा है तो काम। और एक बच्चा नहीं है उनके? देखती हूँ, नहीं है तो कह दूंगी, एक और पैदा कर लो। ओके, गुड लक। ये बीड़ी दाल में मत डाल देना, पहले ही सारे घर में बीड़ी की खुशबू है।
इतनी देर लगा दी, रोज 7 बजे तक आया करती थी, आज 1 बज गया, मैं बहुत परेशान हो गया, काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। मैंने सोचा सीधा रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई। कैसे? मैं बच्चे को लेकर बाहर गई थी, हाँ। बस 1 मिनट के लिए दुकान के अंदर छोड़ा और बाहर किसी ने बच्चा चुरा लिया। मैं बहुत घबराई, बहुत बच्चे को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को भी इतला की। बच्चे के माँ बाप ने मुझे बहुत डांटा, मुझ पर शक भी किया, लेकिन आखिर में सोचा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, और फिर जाकर मुझे छोड़ा। मुझ पर विश्वास करके उन्होंने बच्चा सौंपा था, लेकिन रो मत। रोने से क्या फायदा, बैठो बैठो ना। अरे यहां से कैसे? क्या राकेश, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई, अब हम इस बच्चे की मदद से। ये किसका है? एक अमीर की औलाद, यूं उठा कर ले आया। बस कल सुबह एक फोन कॉल, 10,000 रुपए दे जाओ, वरना तुम्हारा ये बच्चा। कैसा लगा दिलीप का ये आइडिया? लेकिन पागल, ये भी कोई तरीका है? ये राकेश, ये वही बच्चा है। ये बच्चा लेकर उनके घर जाओ, जाओ, बताओ। 1 मिनट, मैं भी आता हूं। बताओ कौन है दिलीप? Who is this दिलीप of yours? बताओ, मैं तो गला घोंट के मार डालूंगा। बताओ 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 बताओ। दिलीप कोई नहीं है, कहीं नहीं है। सुन, मत बोल। बताओ बताओ। मेरे अंदर का चोर दिलीप है, मेरे बाहर का समाज दिलीप है, ये दिल्ली दिलीप है, ये सारा सिस्टम दिलीप है। ये दस्तूर मैंने इन्हीं से तो सीखा है, ये चोरी, ये रिश्वत, ये कालाबाजारी, क्या मैं अपने साथ लेके पैदा हुआ था? मैं तुम्हारी तरह घुट घुट के नहीं जीना चाहता, मैं तुम्हारी तरह सत की चिता पर बैठ के नहीं जीना चाहता। तुम्हें ऐसे ही जीना है तो इस घर की तरफ मुंह मत करना, जाओ। राकेश, तुम्हारे अपने बाप ने भी तुमसे यही कहकर एक दिन घर से बाहर निकाल दिया था। सच्चाई की सिर्फ वही शक्ल नहीं है जो तुम जानते हो, मैं भी सच्चाई का एक और रूप हूं। याद रखना, आज नहीं तो कल पहचान लोगे। जाओ, अभी निकल जाओ। Get out of here! Out! कुसुम! 1 मिनट, आती हूँ। अरे सुनो तो सही। कहा ना बाबा आती हूँ। अरे आने को कौन कह रहा है, बात सुनने को कह रहा हूँ।
मुझे वो नल बंद करो तो कुछ सुनाई देना। हाँ बोलो। मुझे नौकरी मिल गई है। सच? लेकिन आज एक झूठ बोलना पड़ा मुझे नौकरी के लिए। क्या जो नहीं आता कह दिया आता है? जो आता है कहना पड़ा कि नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? जो नहीं आता वो आता है, इससे क्या फायदा हुआ? फायदा है ना, मालिक को हिंदी जानने वाला आदमी नहीं चाहिए। मैंने भी कह दिया नहीं आती है। हाँ, लेकिन नहीं आता किस भाषा में कहा? तेलुगु में। तेलुगु में? अय्य गारू నాకు తెలుగు తప్ప ఏం భాష తెలియదయ్యా, క్షమించండి అన్నాను. పట్టుకురా ఉద్యోగం అన్నాడు, పట్టుకున్నాను. ఇస్మే క్యా గిరా? నౌకరీ పకడ్ లియా మేనే. కాహే కీ నౌకరీ? డ్రైవర్ సర్, काम हो गया? आज तक कभी काम किए बगैर लौटी हूँ? कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ गया ना? हाँ, मेरे सामने ही साइन किए हैं, देखो। लेकिन राक्षस, 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सब कुछ सहना पड़ा। व्हाट डू वी लूज डार्लिंग? हिंदी में, हिंदी में। मैंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे, जो तुम जैसी आज्ञाकारी पत्नी मिली। तुम तो मेरी सोने की खान हो डार्लिंग। बस बस किचिना, ड्राइवर, व्हाट हैपेंड यू? व्हाई डिड यू स्टॉप द कार हियर? ऐसे बेशरम आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करना मुझे, जो अपनी बीवी से धंधा करवाए अपने बिजनेस के लिए। साले बेशरम दोनों के दोनों। ए, तू हिंदी भी जानता है? तूने हमसे झूठ बोला। यू ब्लडी लायर, यू ब्लडी सिनर्स, सिनर्स। अरे मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, तू हमें बीच जंगल में छोड़ के जा रहा है। आप लोगों की जगह जंगल में ही है। और डालिए साहब। अरे अरे, ये नहीं चलेगा साहब। क्यों? वो गजलें है भाई। गजलें तो पढ़ने के काम आएंगी, सौदे के साथ तुलेंगे भी नहीं साहब। मिर्जा गालिब भी नहीं? बिल्कुल नहीं साहब, मुफ्त में लपेटी जाएगी। कोई फिल्म फेयर सुपर स्टार डस्ट नहीं है। वो तुल जाते हैं? तोल से नहीं साहब, बोल से भी बिक जाएंगे। थोड़ी सी रेती और डाल दीजिए, पूरे 5 किलो हो जाएंगे। पहले के 2 किलो, अब के 3 किलो। हाँ, ये हुई ना बात, ये तो पुड़िया बनाने के लिए बहुत काम आएंगे। जानते हुए क्या है, मेरी 10 साल की मेहनत, मेरी लिखी हुई कविताएं। अच्छा, बहुत अच्छे। कितने पैसे हुए? बनते तो 4 ही रुपए, मैं आपको 5 रुपए दूंगा साहब। अच्छा, ले लीजिए साहब। कौन था ये, क्या ले गया? रद्दी। रद्दी? रद्दी कौन सी बेच डाली तुमने? उसमें तुम्हारी कविताओं की कॉपी भी थी ना? हाँ, सब बेच दिया। और आज पता चला गालिब, इकबाल और फैज का वजन भी 5 रुपए से ज्यादा नहीं निकला। और आज पता चला इन बड़े बड़े शायरों को मिलाकर भी कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं हुई। जो किताबें खत्म हो गई उन्हें रखकर क्या फायदा? पढ़ लेने से किताबें खत्म हो जाती हैं? नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद जो जिंदगी में काम ना आए वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। They are like dead bodies। और इन लाशों को अलमारियों में सजाने से क्या फायदा?
कम से कम एक वक्त का नमक चावल तो दें। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए आज रात की रोटी लाने, एक वक्त का खाना, और इस एक वक्त से ज्यादा मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा? किस पर इतना गुस्सा? किस पर? तुम पर? नहीं, क्यों? लेकिन तुम पर भी मैं गुस्से नहीं हो सकता, क्योंकि तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने माँ बाप पर गुस्से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी भूखे वो जिम्मेदार नहीं है। उनकी बात मानी होती तो कब का अपनी खुददारी बेच चुका होता। नहीं, इस शहर, इस समाज, इस दुनिया पर मैं गुस्से नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बताए हुए रास्तों पर मैं चलना नहीं चाहता था। मैं अपनी खुददारी लेकर जीना चाहता था और अपनी सच्चाई के साथ सांस लेना चाहता था। क्या ऐसा मैं कर सका? No! That is why I find myself a bloody misfit in this wonderful society. देखो कुसुम, ऐसा लगता है मुझे अपने असूलों की वजह से कभी नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दो वक्त की रोटी तुम्हें नहीं दे सकूंगा। मेरे साथ रहकर भूखे मरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चाहो जाके जिंदगी से कोई अच्छा सा समझौता कर लो और भूल जाओ इस निकम्मे पागल को। प्रताप, नाम महाराणा जैसा और काम तो घड़ों जैसा, घड़ों जैसा। मुझे मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। I knew it। और आओगी तो फैसला करके ही आओगी। प्रताप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चलो चलो, अब बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, खड़े रहते। प्रताप, मैं तुमसे शादी करूंगी। प्रताप, यू लकी बास्टर्ड, यू डन। सच्ची मोहब्बत यही है, यही है। लेकिन क्या? लेकिन एक शर्त है प्रताप। किस चीज की? शादी की। शादी से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या? देखो प्रताप, तुम्हारे डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रीज है, कारोबार है, उनमें से एक आदमी को नौकरी पे लगा दो, एक रिस्पेक्टेबल जॉब। बस इतनी सी बात? अरे कितनी नौकरियां चाहिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कौन है आदमी? राकेश। राकेश, राकेश को शादी से क्या ताल्लुक? नौकरी से है। देखो प्रताप, तुम उसे नौकरी दिला दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कुसुम, तुम कुछ भी कह लो, मेरी यही एक शर्त है। ओके ओके, नौकरी चाहिए ना राकेश को, मिल जाएगी। थैंक यू। तो शादी कब रखें? पहले नौकरी। कुसुम, उल्लू के पट्टे, तुमको तो एक लाज मानी चाहिए। ये ले, ये ले, ये ले। गुड मॉर्निंग सर। सर सर सर, गुड मॉर्निंग सर। आप ही मोहनलाल शर्मा हैं? बेशक, मैं ही मोहनलाल शर्मा हूँ। आपने सुबह 5 बजे बुलवाया था, लेकिन इसने अंदर जाने नहीं दिया। मैंने बुलवाया था? बुलवाया होगा, पर किस लिए? एक पियारो की जगह खाली है यहाँ, इसलिए। हाँ, है तो? उसी के लिए आया हूँ। उसके लिए किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है? तुम्हें दौड़ना आता है? वो तो मैं जानता हूँ दौड़ना। तो दौड़ते दौड़ते बात करेंगे। बात करते करते भी दौड़ सकते हैं। रिंदा कितने है? सब्जी मंडी से कोल फुल बंगेश है ना, बस वो नाल ही रहना। पंजाबी आती है? जी पंजाबी आती है, उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है, गुजराती आती है,
तुम इतनी जबानें कैसे जानते हो? क्या पता साहब, कब कहां किस जबान में नौकरी मिल जाए। शाबाश शाबाश। बेकार रहते रहते वो खुद सा गया है। उसकी घुटन और गुस्सा देखकर अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं वो किसी दिन कुछ कर ना बैठे। अगर रास्ता मुड़ता हो तो कैसे कोई सीधा चला जा सकता है? कोई ना कोई समझौता तो करना ही पड़ता है। आखिर मैंने भी समझौता कर लिया, ठीक है या गलत ये मैं नहीं जानती। मैंने प्रताप को हाँ कह दिया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपने पिता से कहकर राकेश को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। हेलो यंग मैन, हेलो, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो, सिट डाउन। अब ये बताओ तुम हो कौन? जी राकेश, आपने बुलवाया था शाम को 6 बजे यहाँ। मैंने बुलवाया? बुलवाया होगा, पर किस काम के लिए? अच्छा जी, मैं जाता हूँ। अरे भाई धमकाते क्यों हो, मेरी याददाश्त थोड़ा कम है, याद दिलवाओगे याद आ जाएगा, दिलवाओ याद। जी सुबह आप दौड़ते दौड़ते इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के मैंने पंजाबी और मराठी में बात की थी। मराठी पंजाबी, पीआरओ की जगह खाली है यहाँ। कैसा पीआरओ? अच्छा जी नमस्ते। ओ दैट बॉय, अरे बैठो बैठो, तुम तो बहुत तेज भागते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा स्टैमिना है। ऐसा करो तुम मंडे से आ जाओ। जी आप जॉगिंग के लिए बुला रहे हैं कि पीआरओ जॉब के लिए? भाई पीआरओ जॉब के लिए, जॉगिंग तुम्हारी क्वालिफिकेशन है। जॉगिंग हाँ? यही होता है साहब, देश बहुत दिलचस्प है। नाई से जूते मरम्मत करवाते हैं और मोची से कहते हैं बाल काट। वाह क्या शेर कहा है। आओ आओ। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है, ते अड़ा-वड़ा बिजनेस क्यों संभाल रहे हो? ओए पुत्र, मेरे आसे पासे बहुत मेहरबान बनते हैं। तो तुसी? ऊपर वाले की मेहर है। मीट माय सन प्रताप, और ये हैं राकेश। राकेश, और ये है प्रताप की गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या नाम है इनका, क्या नाम है, चलो जो भी हो। बहुत अच्छी जॉगिंग करता है, इसलिए मैंने इसे जनपद ब्रांच के दफ्तर में पीआरओ की नौकरी पर रख दिया है। थैंक यू वेरी मच डैड, काम देकर आप मेहनत पर नहीं, मुझ पर एहसान। इट्स ऑल राइट बॉय, लेकिन मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस को संभालने के लिए आपके घर में बहुत लोग हैं, मुझे ऐसी सिफारिश का एहसान नहीं चाहिए। थैंक्स अ लॉट टू यू सर, टू यू मिस्टर प्रताप एंड टू यू लेडी। भैया भैया भैया, राकेश राकेश यहाँ आया था? हाँ? नहीं आया। हाँ? जिस बात का डर था वही हुआ। हाँ? उसे पता चल गया कि उसकी नौकरी के लिए मैंने प्रताप के डैडी से सिफारिश की थी। हाँ? बस उसी दिन से घर नहीं लौटा, आज 3 दिन हो गए हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं? भैया मेरी खातिर आप उसे ढूंढने की तकलीफ करेंगे?
दीदी, दीदी, कौन? दीदी, क्या है? आप कुसुम है ना? हाँ, ये लो। राकेश को मिला, शिवाजी मूर्ति के पास फौरन आकर मिलो, अरुण। कितना खून बह रहा है। जिसे मौत आई सुकून मिल गया, सुकून मिल गया, जिसे मौत आई सुकून मिल गया, के मुरझा गया फूल तो खिल गया, के मुरझा गया फूल तो खिल गया, तड़पते वही हैं जो मरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, किसी की भी परवाह करते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। कई जिंदगी से हारे हुए, कई
जिंदगी से हैं हारे हुए, कई जिंदगी के हैं मारे हुए, सभी मौत आने से मरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, किसी की भी परवाह करते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं, जमाने से कुछ लोग डरते नहीं। जिसे मौत आई सुकून मिल गया, कि मुरझा गया फूल तो खिल गया, हड़पते वही है जो मरते नहीं। वाह साहब, आपने तो बना के रखा। वो कविता मेरे बेटे की थी। आपका बेटा कवि है, तो उसे साथ क्यों नहीं लाए? एक दिन रूठ कर चला गया था, साल भर हुआ फिर नहीं लौटा। कहाँ गया था? सुना है यही कहीं दिल्ली में है। सच पूछो तो उसकी एक कविता इसीलिए सुनाई थी कि शायद कहीं उसके कान में पड़ जाए, तो वो चला है, वापस लौटा है। क्या हुआ डार्लिंग? एक मिनट डार्लिंग, मैं अभी आया। तिलक, क्या हुआ? उस सत्यवादी ने तुझे भी घर से बाहर निकाल दिया? बड़े ऊंचे ऊंचे उसूलों की बातें किया करता था। मैंने कहता था कि जिंदगी से समझौता कर लो अगर कहीं पहुंचना है। क्यों, हैरत से क्या देख रहे हैं? बंधु, मैं ना कहता था कि एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा। एक बहुत अमीर विधवा औरत के यहाँ पति की जगह खाली थी, सो हमने भर्ती। उसके पति भी हो गए और पूंजीपति भी। क्यों, कैसी रही यार? hey, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है? ये क्या पागलों की तरह घूरे जा रहा है? पागल? कौन पागल? मैं के दिलीप? जब तक दिलीप मेरे साथ रहता है दुनिया पागल लगती है, और जब दिलीप? ये किस दिलीप की बात कर रहा है तू? दिलीप को नहीं जानता तू? पागल, ये देख दिलीप, देखा है? और ये देख दिलीप लिखा हुआ, और ये भी देख, देखा? ये देख दिलीप, ये देख दिलीप, दिलीप, दिलीप। से पांव तक दिलीप ही दिलीप है। तिलक, तूने कुछ खाया? खाया ना, 100 रुपए का खाना खाया मोती महल में दिलीप के साथ। लेकिन दिलीप तो... Come on, darling. One minute, darling. तिलक, ये लो। क्या डार्लिंग, एक पागल के लिए 10 और 100 रुपए में क्या फर्क होता है? तुमने सिर्फ 10 रुपए दिए होते। 10 रुपए उसके पागलपन के और 90 रुपए उसकी दोस्ती के।
दरवाजे बंद करने से खिड़कियों के कांच बंद नहीं हो जाते। शायद तुमको याद तो होगा कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था और उसके लिए तुमने तुमने एक शर्त रखी थी। शर्त? राकेश की नौकरी की मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, उसने नौकरी मंजूर नहीं की। मुझे बता दिया कसूर था। Why should I be penalized for no fault of mine? आज मैं फैसला करके जाऊंगा, इसी हफ्ते के अंदर अंदर यू विल मैरी। तुम मुझसे शादी करोगी एज प्रॉमिस्ड। वरना वरना ये गोली अपनी खोपड़ी के पार कर दूंगा। I'll blow my brains out. I'll blow my brains out, कसम। तुम समझते हो ये सिर्फ स्टेज पर दिखाने वाली पिस्तौल है? हाँ, सब लड़ी जोक जोक। बोलो, look at me. प्रताप। बोलो, बोलो खोपड़ी अपनी। प्रताप नहीं, प्रताप नहीं, प्रताप। तुम्हें सवाल का जवाब दो, शादी करोगी या नहीं प्रताप से? हाँ करूंगी। As promised. As promised. इसी हफ्ते में? तुम भागते नहीं जाओगी? नहीं। मुबारक आलू दे पटे, मुबारक। शेविंग या कटिंग? आप कब आए? इसमें नाराज होने की क्या बात है? इस जमाने में जबकि नौकरी मिलना इतना मुश्किल है, कोई अपने हाथ के हुनर से कमा ले तो क्या बुरा है? मैंने भीख तो नहीं मांगी किसी से, हाथ तो नहीं फैलाया किसी के आगे, और मैं हर तरह के काम कर भी तो नहीं सकता था। झूठ मुझसे बोला नहीं जाता और मकारी करनी आती नहीं। इस काम में ईमानदारी तो है। मैं बाल काटता हूं, किसी की जेब तो नहीं काटता, गला तो नहीं काटता। मैं जानता हूं फिलॉसफी में एमए करके यहां आने के बजाय किसी और जगह पे होना चाहिए था मुझे, लेकिन हर जगह यही हाल है। इंजीनियर को स्कूल में पढ़ाते देखा है, राइटर को टायर बेचते देखा है और डॉक्टर को एक्टिंग करते देखा है। इस सिस्टम में कोई आदमी अपनी सही जगह पे नहीं लगता। मैं क्या काम कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे कर रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। और जैसे कर रहा हूं उसमें पाप नहीं है, झूठ नहीं है, शर्म की बात नहीं है। जिंदगी में निराश होने के बजाय मैंने सोचा कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, इसलिए मैंने फैसला किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं ये सलाह भी नहीं दे रहा हूं कि सारे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग अपनी मुश्किलें इसी तरह हल करें। मुझे इस काम में सुकून है, खुशी है। आप शायद ये नहीं मानेंगे पिताजी के, I'm sorry, अगर आपको शर्म आती है कि मैं हाथ में उस तरह पकड़े हुए आपको पिताजी कहूं, तो कभी ऐसा नहीं कहूंगा। और आप भी मुझे बेटा मत कहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं जो मैं कर रहा हूं सही है, तो इस कुर्सी पर बैठिए, आपकी भी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं एक पेशावर की हैसियत से।
ये मंगलसूत्र सही है ना? नहीं भाई, मैं बड़ा चौकन्ना हूँ, बड़ा मैच करता है। Back it up! समझ नहीं आता कि दादा क्रेजी कौन है, शीशा या मैं? फिक्स भाई, फिक्स। कुसुम प्रताप, कुसुम, कुसुम प्रताप, कुसुम प्रताप, जानती हूँ मैं कितना होश हूँ। मुझे तो डर है कि ये मंगलसूत्र कहीं मैं पंडित के गले में नहीं डाल दूँ। ज़माने में मोहब्बत फिर हुई बदनाम, लिख डालो पुराने बेवफाओं में नया एक नाम, लिख डालो ज़माने में मोहब्बत फिर हुई बदनाम, लिख डालो पुराने बेवफाओं में नया एक नाम, लिख डालो ज़माने में मोहब्बत। लिखो मेरे लहू से ए जहां वालों ये अफसाना, लिखो मेरे लहू से ए जहां वालों ये अफसाना, किसी में फिर हो गया एक शख्स दीवाना, जमाने में मोहब्बत का है ये अंजाम, लिख डालो पुराने बेवफाओं में नया एक नाम, लिख डालो जमा बाजार में दिल बेच डाला है, जमाने में मोहब्बत फिर हुई नीलाम, लिख डालो पुराने बेवफाओं में नया एक नाम, लिख डालो लिख डालो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं किया, कोई बेवफाई नहीं की, तुम्हें काम दिलवाने के लिए मैंने प्रताप से शादी करने का वादा किया था। मैं कसम खाती हूं तुम जो कहोगे मैं करूंगी, जहां कहोगे। Thank you.
उल्लू के पट्टे, तुम समझते हो कि तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है? नो यू आर इनकंपिटेंट इडियट, ये अनलकी बास्टर्ड। साहब शू मैन, जाओ जाओ, ए ठहरो इधर आओ। साहब यू लकी बास्टर्ड, गेट लॉस्ट, गो। Ha 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 ha